गवर्नमेंट को अदारों को बताए कि भाई थाईलैंड में ये चीज़ अच्छी है, ये टैक्स नेट है, बांग्लादेश में ये है, तुम इससे कम करोगे तो आपके पास आएंगे ना, और फना कॉर्पोरेट टैक्स जो है फना मुल्क में इतना है, आपके पास इतना है, इसको उसके बराबर ले कराओ तो लोग आपके पास आएंगे। तो पाकिस्तान के अदारों को गवर्नमेंट को भी एडवाइस दे रहा है और साथ में यहाँ पर भी हमारी लेट बुक इसी कर रहा है। तो इस हवाले से दो दिन का इवेंट था और आज हमारी जायका के साथ मीटिंग थी, क्योंकि जायका कराची के तनाजर में, तो कराची में कोई हमारी फंडिंग के लिए तैयार नहीं है, ना यूएसए आईडी को अच्छी फंडिंग कर रहा है, ना डीएफआईडी कर रहा है, ना ओडीए कर रहा है, ना नॉर्वेडा है, ना रेड है। हालांकि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके नहीं आया, वर्ल्ड बैंक का भी नहीं है कोई, सिर्फ जायका हमारे लिए एक बहुत ही चलन है कि कराची के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मास ट्रांजिट की स्कीम शामिल है, कराची सर्कल रेलवे है, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो इनमें मेहरान हाईवे है, मलिर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, इनमें ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं। कोई प्रोजेक्ट भी केसीआर का प्रोजेक्ट 250 अरब रुपए का है, तो बीआरटीएस के प्रोजेक्ट 80-80 अरब के हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट की मदद से या सूबाई हुकूमत की मदद से बन सके। तो इसके लिए लाजमी तौर पर रिक्वायरमेंट है कि फंडिंग चाहिए, और वो फंडिंग इसी तरह हो सकती है, या तो सॉफ्ट लोन हो, या कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हो, और उसमें ये हमारी मदद करें जो डोनर एजेंसीज हैं, ताकि ब्रिज फाइनेंसिंग हो सके। तो इस हवाले से आज मीटिंग थी, ओवरऑल जो है वो बहती रही सरमाकारी के हवाले से भी, जापानियों के पास टाइम नहीं होता नेसेसरी वेस्ट करने के, जब वो इंटरेस्टेड होते हैं तो आते हैं। तो परसों जो एक्सपो था उसमें जो हमारी एडवोकेसी थी, तो कल पाकिस्तान स्पेसिफिक सेमिनार था टोक्यो, बैंकॉक टोक्यो के अखबारों में, उसमें 85 कंपनी आई थी, और उनके इंटरेस्ट का अंदाज़ा ये था कि जब सेमिनार ख़त्म हो गया और क्वेश्चन आंसर का टाइम भी ख़त्म हो गया, क्योंकि 18-20 बंदों की क्यू थी, उसमें कुछ सवाल थे तो वो जो हमारे एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट के साथ खड़े थे पूछते थे, फिर वो चले जाते, बड़ा अच्छा लगा, बड़े ही तरीके से उन्होंने एक एक और इंतज़ार करते रहे, ये नहीं था कि ये अभी हट क्यों ले रहा है यहाँ से और इतनी देर तक बात क्यों कर रहा है। तो ये रहा कराची में डेवलपमेंट के हवाले से भी सूरत हाल ठीक ही है, बहुत अच्छी नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह पॉलिटिकल है कि जो कोलिशन है उसमें हम आंगी है भी और नहीं भी है, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो उसका इन्फ्लक्स है वो डेवलपमेंट पर आता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कराची के डेवलपमेंट में देखें तो 2008 तक कराची को फेडरल गवर्नमेंट से 8 बिलियन सालाना मिलते थे, और सूबाई फंडिंग अलग थी, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, लेकिन 2008 के बाद से इतने रिसोर्सेज अब नहीं हैं, फेडरल फंडिंग ज़ीरो है कराची के लिए, बल्कि नेगेटिव में है, क्योंकि पिछली जो फंडिंग कमिटेड थी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए वो भी नहीं मिली, तो वो हमें अपने तौर पे अरेंज करने पड़ रही है, तो वो नेगेटिव को कह रहे हैं उसको कि माइनस में है फंडिंग। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फंडिंग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वेरी मीगर प्रोविंशियल जो एक्सचेक जो डेवलपमेंट आउटले है उसकी टोटल 182 अरब में से कराची के लिए 7 अरब रुपये हैं, जो बहुत ही मेजर है। लेकिन बहरहाल भैया तो नहीं रुकना चाहिए, तो जैसे तैसे काम चल रहा है इस वक्त, माशाल्लाह से 4 फ्लाईओवर तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कॉरिडोर 5 के नाम से हमने शुरू किए हैं, इसमें वाटर पंप, आयशा मंजिल, लियाकतबाद डाकखाना और 3 हट्टी, तो इस तरह से जो ट्रैफिक आता है सुपर हाईवे से, और जो सुपर हाईवे की तरफ आबादियाँ बन गई हैं, और हैदराबाद से और अप कंट्री से, तो उसके लिए जो ट्रैफिक कंजेशन से ख़त्म हो जाएगी, और 3 हट्टी से क्रॉस करके वो गुरु मंदिर तक तो इजीली पहुंच जाएगा। गुरु मंदिर से ऑनवर्ड के लिए अगले साल के मनसूबों में पैसे रखे जाएंगे। इसी तरह एयरपोर्ट से निकलते बड़ी प्रॉब्लम थी, वहाँ पर भी फ्लाई ओवर ले आए हैं, वो तकरीबन अब आखिरी मराहल में है, 65% काम कम्प्लीट हो गया है, तो वो है। इसके अलावा शाहीन कम्प्लेक्स के फ्लाई ओवर शुरू करने का मनसूबा है, फंडिंग का कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो हो गया तो वो इस महीने काम शुरू हो जाएगा फरवरी में, नाजमाबाद गुलबहार के राउंड अबाउट पे एक फ्लाई ओवर, एक शाहीन कॉम्प्लेक्स पर, और एक मैरान होटल पे अंडरपास, ये तीनों प्रोजेक्ट इस महीने के एंड में शुरू हो जाएंगे। कुछ कम्प्लिकेशंस आ गई हैं,
मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो एक ऐलान किया है कि जी फंडिंग की दर से, ये बड़ी नॉर्मल बात होती है कि एक रोड के लिए या एक प्रोजेक्ट के लिए हमने 100 रुपये रखे हैं और दूसरे के लिए 200 रखे हैं, अब 200 वाले पे काम नहीं हो पा रहा तो उसको हम रीअप्रोप्रिएशन करते हैं जाके जनवरी में, जिन प्रोजेक्ट को ज़रूरत होती है उनको देते हैं पैसा, जिनमें ज़रूरत नहीं होती है, जिन पर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, कोई भी इशूज़ आ जाती हैं, अनफोर्सिन आ जाती हैं, काम शुरू किया आपने कोई लिटिगेशन में चला गया आपका काम रुक गया, आपने काम शुरू किया उसके लिए पाइप चाहिए, वो पाइप के लिए जिस फैक्ट्री में बनता है वो 2 ही फैक्ट्री है पूरे सिंध में, अब किसी फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ गई तो अब 3 महीने डिले हो गया, तो मतलब अनफॉर्चुनेट बहुत सारी चीज़ आ सकती है, अंदर कुछ एवरेज की ऐसी लाइन आ सकती है जो नक्शे में कहीं निशान ना हो उसका, तो वो पाकिस्तान में आपको बताएं इन सब चीज़ों से हम लोगों को गुजरते हैं, तो वो फिर जैसे प्रोजेक्ट में फंडिंग यूज़ नहीं हो सकती है तो उनके पैसों को डाइवर्ट किया जाता है, जैसे कहा रीअप्रोप्रिएशन, तो उस पर पाबंदी लगा दी है इलेक्शन कमीशन ने, तो मैं समझता हूँ कि शायद उनको प्रॉपर एडवाइस नहीं किया गया, क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस साल के पूरी हुकूमत के जितने भी प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चारों सूबों के उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, बीच में अधूरे रह जाएंगे सारे के सारे, तो इसमें मेरे ख्याल में गुड सेंस प्रेजेंट करना चाहिए। उसके अलावा रोड नेटवर्क तो कराची में बेहतर ही था, कुछ रोड हमने आइडेंटिफाई किए हैं क्वारंटी में, हमने तकरीबन आला क्वालिटी के जिनको रोड कहते हैं कि 3 लेन के हों, प्रॉपर रोड हों, अस्फाल्ट के बने हुए हों, पेवर मशीन और सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ किया हुआ, अच्छी स्ट्रीट लाइट लगी है, तो ये हमने क्वारंटी में तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा काम करा दिया है कि क्वारंटी में अब शायद 1 साल बाद आपको वहाँ पर पैसों की ज़रूरत इतनी पड़ेगी ही नहीं, गलियाँ वालियाँ भी हो गई हैं, मेन रोड भी हो